नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम शेखावाटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी फाइनल मैथमेटिक्स पेपर थर्ड डायनामिक्स एंड स्टैटिक्स की एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं, जिसमें आपको मिलने वाले हैं लास्ट ईयर्स क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। इसके अंदर हम यूनिट फर्स्ट को इंक्लूड कर रहे हैं इस लेक्चर में। आगे के लेक्चर में हम सेकंड, थर्ड, फोर, फाइव यूनिट्स को भी लेकर के आएंगे। तो इस यूनिट के अंदर पहले हम सिलेबस देखेंगे और उनमें देखेंगे कौन से टॉपिक्स पे हमें ज्यादा कमांड करनी चाहिए ताकि हम एग्जाम्स में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेकर के आए, कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें हम अवॉइड कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम सिलेबस के ऊपर जाएं, अभी वीडियो को लाइक करें। और इस चैनल पर आपको खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए अनलिमिटेड डाटा आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपका छूटे नहीं। ओके, तो अब चलते हैं हम सिलेबस के ऊपर। ओके, तो यूनिट फर्स्ट के अंदर हमारे पास में ये टॉपिक्स हैं, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इसके अंदर हमें एलोंग रेडियस, ट्रांसवर्स डायरेक्शंस, एलोंग टेंजेंशियल एंड नॉर्मल डायरेक्शंस, ये टॉपिक्स हैं हमारे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के अंदर। एंड SHM सिंपल हार्मोनिक मोशंस के अंदर हुक्स लॉ, मोशन एलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग है। तो इसके अंदर हम मोस्टली शेखावाटी और यूनिराज के लिए हिंदी मीडियम की JPHS बुक आती है, JPHS बुक, जिसके अंदर मोस्टली सभी क्वेश्चन इसी में से ही आते हैं। तो उसके लिए हम फर्स्ट सी, फर्स्ट डी, इसको आप अच्छे से कवर करो, अच्छी तैयारी रखनी है स्ट्रॉन्ग। और सेकंड जो चैप्टर है उसमें आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हैं, तो आपके इस यूनिट में काफी अच्छे नंबर्स आएंगे, 100% ही नंबर्स आएंगे। अब हम बात करते हैं, हमने सिलेबस देखा, हमें क्या पढ़ना है। फर्स्ट सी, फर्स्ट डी पे अच्छा कमांड करना है, सेकंड में हमें केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। तो आज के लेक्चर में पहले हम फर्स्ट सी लेकर के चलेंगे। फर्स्ट सी की जो डेरिवेशन है आई हुई लास्ट ईयर में, वो डेरिवेशन करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चंस की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे आगे, और इस सी के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं लास्ट ईयर में, करंट लास्ट ईयर में, वो करेंगे। उसके बाद हम फर्स्ट डी को भी इसी प्रकार से डेरिवेशन, फिर एग्जांपल्स, और लास्ट में हम सेकंड चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको लेंगे। तो फर्स्ट सी के अंदर यूनिराज में 11 और 13 के अंदर, 2011 एंड 2013 के अंदर अरीय एवं अनुप्रस्थ त्वरण, रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन की जो डेरिवेशन है वो पूछी गई है। इसके दो डेरिवेशन है, एक तो वेलोसिटी की और एक एक्सेलरेशन की। तो 2011 तक वेलोसिटी की हमारे से नहीं आई, हमारे पास में एक्सेलरेशन की डेरिवेशन आई है, आप वेलोसिटी की भी करें। अब एक्सेलरेशन या त्वरण क्या होता है, सबसे पहले हम बात करें नॉर्मल। तो नॉर्मल त्वरण की हम बात करें, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। क्या होगा, वेलोसिटी में परिवर्तन की दर होगा वेग, वेलोसिटी, त्वरण हमारा एक्सेलरेशन। ऐसे वेग क्या होगा, दूरी में परिवर्तन की दर, दूरी में परिवर्तन की दर। अब दूरी कब होगा, यहां हम एक पार्टिकल लेते हैं कण, और कण दूरी में परिवर्तन कब होगा, जब एक समय पर वो किसी दूसरी पोजीशन पे हो और दूसरे ही समय पर वो किसी दूसरी पोजीशन पे हो, तभी तो उसमें समय के साथ में परिवर्तन होगा। तो इसके अंदर पहले तो हम एक कण लेंगे, कण को हम अलग अलग समय पे अलग अलग पोजीशंस पे लेंगे, और उसके बाद हम जब त्वरण निकालते हैं इसकी डेरिवेशन, तो इसे हम पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट में हमारे आर थीटा होते हैं, तो यहाँ हम
आर और थीटा की वैल्यू निकालेंगे, और ये हम जानते हैं कि जो थीटा होता है उसका मान निकालने के लिए हमें एक प्रारंभिक रेखा चाहिए, प्रारंभिक रेखा चाहिए, एक पॉइंट चाहिए जिससे हम थीटा का मान निकाल सके। तो इसके लिए हमें जो प्रारंभिक रेखा ये लेते हैं, इसे हम प्रारंभिक रेखा या इनिशियल लाइन बोलते हैं, और जिस पॉइंट से हम कोण का मान निकालते हैं उसे हम ध्रुव या पोल बोलेंगे। ओके, क्लियर है? प्रारंभिक रेखा इनिशियल लाइन होगी हमारी, ध्रुव या पोल हमारा ये पॉइंट होगा, एक पॉइंट होगा हमारा जिसके ऊपर कण होगा और अगले ही क्षण वो दूसरे किसी पॉइंट के ऊपर जाएगा। तो इसका पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं और उसके बाद इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो त्वरण है, त्वरण से पहले हमें इसका वेलोसिटी का भी पता होना चाहिए, वेग। तो इसका जो अरीय वेग होगा, अरीय वेग, ये हमें फॉर्मूले याद रखने हैं, अरीय वेग होगा हमारा आर डॉट, और इसका जो अनुप्रस्थ वेग होगा, अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ वेग, ये होता है हमारा आर थीटा डॉट। ओके, तो इसका जो रेडियल वेलोसिटी है वो तो बन गई आर डॉट, और इसकी जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी है वो बन गई हमारी आर थीटा डॉट। अब हम इसका डायग्राम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, पोलर के अंदर कोऑर्डिनेट है, प्रारंभिक रेखा चाहिए। तो हमने एक प्रारंभिक रेखा बनाई, ये बना दी हमने एक प्रारंभिक रेखा ओ एक्स। ओके, हमने एक प्रारंभिक रेखा बनाई ओ एक्स, जिसे इनिशियल लाइन भी बोलते हैं, इनिशियल लाइन। उसके बाद हमें ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलेंगे हम ध्रुव या पोल। अब हम बात करते हैं कि हमें त्वरण चाहिए, तो वेग में परिवर्तन होगा, दूरी में परिवर्तन होगा। तो एक कण हमने लिया, पार्टिकल, जो t समय पर तो इस p पॉइंट के ऊपर है, और t प्लस डेल्टी समय के ऊपर वो कण मूव करके इस q पॉइंट के ऊपर आ गया। हमने क्या किया, o से p को मिलाया, और इस O को हमने Q से मिलाया, O को P से मिला दिया, O को Q से मिलाया। अब ये जो हमने एंगल माना, ये एंगल हमने मान लिया इस P के कोऑर्डिनेट R थीटा, R का मतलब इस पोल से इसकी डिस्टेंस, और थीटा का मतलब इस OP का इस प्रारंभिक रेखा से बना कोण। तो ये आ गया हमारे पास में R थीटा का मान। अब t समय पर यहां है कण, और t प्लस डेल्टी समय पर यहां है कण, तो इसके अंदर अल्पांश चेंज होगा, t के अंदर अल्पांश हो रहा है, तो यहां थीटा में भी हमने अल्प चेंज किया डेल थीटा, r में भी हमने अल्प चेंज कर दिया, यहां लिखा r प्लस डेल r। ओके, तो ये जो पॉइंट p था ये t समय पर यहां है, और t प्लस डेल्टी समय पे हमारे पास में यहां है। अब हम बात करते हैं इसके अरीय और अनुप्रस्थ की। तो ये जो अरीय और अनुप्रस्थ होता है हमारा, कोई ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर ही इसके अकॉर्डिंग, यदि हम यहां बात करें तो इसके अकॉर्डिंग जो जाएगा उसे बोलते हैं हम अरीय, और इसके बिल्कुल जस्ट 90 के एंगल के ऊपर बनता है हमारा अनुप्रस्थ। तो यदि पॉइंट है, पॉइंट के अकॉर्डिंग ही हम जा रहे हैं आगे, तो ये डायरेक्शन होगी हमारी अरीय वाली, और ये डायरेक्शन होगी हमारी अनुप्रस्थ वाली। ओके, तो यहां हमने क्या किया, हमें क्या चाहिए, त्वरण चाहिए, तो वेग में परिवर्तन होगा, तो हमने यहां इसको आगे बढ़ाया, ऐसे ही इस लाइन को भी हमने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। देखो ये लाइन के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो क्या होगा, लाइन के अकॉर्डिंग होगा हमारा अरीय, तो यहाँ पे जो हमने वेग माना वो मान लिया हमने u। ओके, ये जो अरीय वेग होता है इसे हम u बोलते हैं, अनुप्रस्थ वेग को हम v बोलते हैं। तो यहाँ हमने u कहा, और ये भी इस लाइन के अकॉर्डिंग जा रहा है, तो ये भी हमारा अरीय वेग होगा, इसके अंदर भी अल्प चेंज कर दिया हमने u प्लस डेल u।
यू प्लस डेल यू। अब ये जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट के ऊपर लंबवत दिशा में अनुप्रस्थ होगा, तो यहां हमने एक 90 का एंगल लिया और इसके ऊपर हमने क्या मान लिया, इसका वी मान लिया, क्योंकि यहां अनुप्रस्थ कौन सा है, वी। और इस क्यू के ऊपर भी होगा 90 के ऊपर, तो यहां हमने मान लिया ये 90 पे है और इसको हमने नीचे भी ड्रॉ किया और इसको मान लिया ये V है, Q पॉइंट के ऊपर इसको चेंज कर दिया, V प्लस डेल V लिख दिया, ठीक है। ये एंगल हमारा कौन सा एंगल है, 90 का एंगल है। अब यहां हम बात करें, ये एंगल हमारा 90 है, हमें OP के अनुदिश त्वरण में परिवर्तन चाहिए, तो हमें कोण चाहिए OP के अनुदिश U का, तो U का OP के अनुदिश, देखो U तो इसके ऊपर है तो 0 डिग्री होगा, V V इसके साथ 90 डिग्री है और इस OP के साथ ये U प्लस डेल U कितना कोण है, ये भी हमने देख लिया डेल थीटा, लेकिन ये V प्लस डेल V कितना कोण बनाएगा वो भी हमें चाहिए। तो ये जो कोण हम लेंगे V प्लस डेल V का, देखो ये एंगल 90 का है तो ये एंगल भी कितना होगा, 90 का होगा। एक सीधी लाइन है, बीच में एक लाइन, ये लाइन है और ये लाइन, इन दोनों का टोटल हमेशा 180 होता। अब यहां कंडीशन हमारी ये 90 है तो ये भी क्या होगी हमारी 90, तो ये एंगल 90 हो गया। अब कोई ट्राई एंगल है, ट्राई एंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 हम जानते हैं, ये 90, ये डेल थीटा, तो ये एंगल कितना होगा हमारा, इसके इधर वाला ये एंगल होगा हमारा ये 90 और ये डेल थीटा, तो ये बनेगा हमारा 90 माइनस डेल थीटा। इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा, डेल थीटा से डेल थीटा कैंसिल, 90 90 180, हमें एंगल चाहिए ये वाला, ओके। हम ये हमने प्रारंभिक रेखा बोली है एक्स अक्ष, और ये जो पॉइंट होता है हमारा, यहाँ कोई पॉइंट होता है पी, तो हम इसका एंगल कैसे मेजरमेंट करते हैं, हम इधर से ही तो इसका एंगल बताते हैं, ऐसे थोड़ी ना बताते हैं कि इसका एंगल ये होगा, ये एंगल हम नहीं बताते, हम कौन सा बताते हैं, इसके इस वाला। तो ये हमने प्रारंभिक रेखा ली है, ओपी के साथ हमें एंगल बताना है तो हम ये एंगल बताएंगे। अब देखो ये 90 माइनस डेल थीटा है, तो ये एंगल और ये एंगल 180 होंगे, तो ये 90 माइनस डेल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा हमारा, 90 प्लस डेल थीटा, ओके। ये 90 माइनस डेल थीटा, ये 90 प्लस डेल थीटा, यहां हमने OP के साथ U का U प्लस डेल U का V प्लस डेल V का सभी के कोण हमने निकाल लिए। अब हमारी डेरिवेशन इजीली हो जाएगी, हमें करना क्या है, हमें त्वरण निकालना है, तो त्वरण निकालने के लिए हमें वेग में परिवर्तन चाहिएगा, वेग में परिवर्तन के लिए हमें वेग पता है और जो भी कोण ये वेग के साथ बना रहा है उसको कोस के साथ हम लेंगे तो हमारे पास में वेग आएंगे। अब हम बात करते हैं, ये तो सीखा हमने इसका डायग्राम, ओके। तो डायग्राम के अंदर हमने क्या किया, डायग्राम के अंदर हमने एक तो लिया ध्रुव ओ, ये हमने इनिशियल लाइन लिखी, तो यही हम लिखेंगे कि माना ओ ध्रुव है, ओ एक्स प्रारंभिक रेखा है, T समय पर कण P बिंदु पर है जिसके कोऑर्डिनेट R थीटा है, और T प्लस डेल्टी समय पर कण Q बिंदु पर है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, R प्लस डेल R थीटा प्लस डेल थीटा, ओके। ये लिख देंगे, P बिंदु पर अरीय और अनुप्रस्थ वेग U व V है, वह Q बिंदु पर अरीय व अनुप्रस्थ वेग कर्मशः U प्लस डेल U V प्लस डेल V है। इतना लिखने के बाद में हमें करना क्या है, हमें त्वरण निकालना है, और त्वरण क्या होगा, त्वरण होगा हमारा वेग में परिवर्तन की दर। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, तो यहां हमें अरीय त्वरण भी निकालना है और अनुप्रस्थ त्वरण भी निकालना है।
अरीय वेग में भी हम परिवर्तन की दर लेंगे और अनुप्रस्थ वेग में भी हम परिवर्तन की दर लेंगे। तो अरीय वेग क्या होगा? ओपी के अनुदिश वेग में परिवर्तन। तो हम ओपी के अनुदिश वेग में परिवर्तन लें और फिर ओपी के अनुप्रस्थ वेग में परिवर्तन लें, फिर उन दोनों का हम डिफरेंस लें। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ओपी के अनुदिश वेग में परिवर्तन। डेल टी समय अंतराल में ओपी के अनुदिश वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। हमने क्या किया? हमने डेल टी समय अंतराल में ओपी के अनुदिश वेग में जो परिवर्तन है वो निकाले और उसमें लास्ट में हम डेल्टी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास अरीय त्वरण आ जाएगा। तो इसको हमने लिखा इक्वल में। अब डेल्टी समय अंतराल में ओपी के अनुदिश वेग में कितना परिवर्तन होगा? तो ओपी के अनुदिश डेल्टी समय अंतराल में डेल्टी हमने क्या लिया? यहां से यहां तक। तो हम क्यू पर वेग लेंगे, उसमें से पी पर वेग को माइनस कर देंगे तो ये बनेगा हमारा क्यू पर ओपी के अनुदिश वेग माइनस पी पर ओपी के अनुदिश वेग। ओके, इक्वल्स टू क्यू पर ओपी के अनुदिश वेग। ये हमारा क्यू है, इस पर ओपी के अनुदिश वेग कितना होगा? देखो यू प्लस डेल यू है अनुदिश, तो अनुदिश या रेडियन। ओके, तो अनुदिश यू प्लस डेल यू है। हमें करना क्या है? जो वेग है, वेग इस ओपी के साथ कितना कोण बना रहा है? डेल थीटा, ये कोस के साथ लेना है तो हमारे पास उसका वेग आ जाएगा। तो ये होगा हमारा u प्लस डेल u, और ये जो u प्लस डेल u है इस ओपी के साथ कितना कोण बना रहा है? डेल थीटा। तो ये बनेगा कोस डेल थीटा प्लस ये u प्लस डेल u कोस के साथ में, और v प्लस डेल v इस ओपी के साथ कितना एंगल है हमारा? 90 प्लस डेल थीटा। तो ये बनेगा v प्लस डेल v कोस 90 प्लस डेल थीटा। ये हमारा आ गया इस q पॉइंट पर। अब p पॉइंट पर हम निकालेंगे तो माइनस करेंगे, माइनस p के ऊपर ये जो u है, u बनेगा हमारा u इसके साथ कितना एंगल है OP के साथ? जीरो। तो U cos जीरो, और ये जो V है, ये V इस OP के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90। तो प्लस V cos 90 डिग्री। ओके, तो आपको अनुदिश के अंदर जो भी वेग है उनमें cos लगाना है और अनुप्रस्थ के अंदर हमें साइन लगाना है। तो यहां इसका मान होगा u प्लस डेल u कोस डेल थीटा प्लस कोस 90 प्लस डेल थीटा बनेगा हमारा माइनस का साइन डेल थीटा। तो ये बनेगा माइनस v प्लस डेल v साइन डेल थीटा। यहां कोस 0 का मान 1, तो ये बनेगा माइनस का u और कोस 90 का मान 0। अब यहां हमारे पास में ये वैल्यू आ गई। अब देखो यहां जब हम t को समथिंग जीरो लेंगे, क्योंकि दूरी में परिवर्तन की दर होती है वो डेल t हम टेंस टू जीरो लगाते हैं लिमिट। तो जैसे ही हम डेल t लिमिट जीरो लगाएंगे तो डेल t जीरो का मतलब डेल t है ही नहीं, जीरो होगा तो t समय ही होगा, और t समय पर ये q पॉइंट कहां होगा? हमारा p पॉइंट पर। तो यदि ये P पॉइंट पर ही हुआ तो इसमें जो जो चेंजेस होंगे वो सारे जीरो के समथिंग होंगे। तो डेल थीटा जीरो के समथिंग, डेल आर जीरो के समथिंग। तो यहां जो डेल थीटा समथिंग है जीरो, डेल थीटा समथिंग है जीरो, तो डेल टी
समथिंग जीरो इंप्लाइज करके डेल थीटा समथिंग जीरो इंप्लाइज करके कोस डेल थीटा का मान क्या होगा? देखो कोस जीरो का मान क्या होता है? वन। तो जैसे ही ये जीरो के समथिंग होता तो ये होगा हमारा वन, एंड साइन डेल थीटा समथिंग होगा, साइन जीरो का मान जीरो, तो ये होगा हमारा डेल थीटा। ये हम इसमें चेंज करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी u प्लस डेल u कोस डेल थीटा है इसका मान वन, यहां माइनस v प्लस डेल v और साइन डेल थीटा बनेगा हमारा डेल थीटा। अब यहां और भी माइनस u, ओके ये आ गया हमारा u प्लस डेल u इंटू वन माइनस वी प्लस डेल बी, ये डेल थीटा बन गया हमारा और ये माइनस का यू। इसे हम सॉल्व करेंगे, ये बनेगा यू, यू से यू कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा डेल यू माइनस ये वी इस डेल थीटा के साथ मल्टीपल होगा तो बनेगा वी डेल थीटा, इसका मान जीरो होगा, यहां रीजन लिख देंगे हम सिंस डेल थीटा समथिंग जीरो डेल वी समथिंग जीरो इंप्लाइज करके डेल थीटा डेल वी समथिंग जीरो, ये हमारे पास में इसका रीजन आ गया। तो हमारे पास डेल टी समय अंतराल में ओपी के अनुदिश जो वेग में परिवर्तन आया, डेल टी समय अंतराल में ओपी के अनुदिश वेग में परिवर्तन, वो परिवर्तन आया हमारा डेल यू माइनस वी डेल थीटा, और इसे दे देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट, ओके। डेल टी समय अंतराल में इसमें जो चेंजेस आया वो हमने लिखा यहां। अब ऐसे ही हम अनुप्रस्थ भी देखेंगे, तो इस बार हमने क्या किया, डेल्टी समय अंतराल में ओपी के अनुप्रस्थ वेग में परिवर्तन लेंगे, तो यहां अनुदिश की जगह क्या आ जाएगा हमारा, अनुप्रस्थ आ जाएगा, और यहां भी हमारा क्या आ जाएगा, अनुप्रस्थ आ जाएगा। अब हमें नॉर्मली बात करते हैं, कोई ये हमारे पास में वेलोसिटीज है, ये हमारा इसका परिणामी है, तो एक तो हम अरे की डायरेक्शन में लेते हैं तो इसे बोलते हैं हम, सपोज करो इसका वेग u है तो ये बनेगा हमारा u cos थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या होगा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, और यहाँ हम u sin थीटा, ऐसा हम 11 12 में ऑलरेडी पढ़ चुके, तो यही कंडीशन हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। अरे के अंदर जो भी वेग है उसे हम कोस से मल्टीपल कर रहे हैं, और अनुप्रस्थ में जो भी वेग है उसे हम साइन से मल्टीपल कर रहे हैं, तो यहाँ अनुप्रस्थ है तो कोस एंगल सेम रहेगा, बस चेंज क्या होगा, कोस का साइन, कोस का क्या बन जाएगा हमारा, साइन बन जाएगा, यहाँ भी हमारा साइन बन जाएगा और यहाँ भी हमारा साइन बन जाएगा। अब हम जो चेंजेस करेंगे इसके बाद ये चेंज होंगे हमारे, अब यहां जो वैल्यू आएगी हमारी, ये बनेगा हमारा साइन डेल थीटा का मान क्या बनेगा, ये तो वो ही कंडीशन है जो अभी हमने अप्लाई की है, तो ये बन जाएगा हमारे पास में यू प्लस डेल यू साइन डेल थीटा बनेगा हमारा डेल थीटा, प्लस ये बन जाएगा, देखो साइन सेकेंड में प्लस होगा तो ये बन जाएगा हमारा कोस डेल थीटा वी प्लस, एक बार तो इसको साइन रहने दो, साइन डेल थीटा, ये वी प्लस डेल वी, ये बनेगा हमारा कोस डेल थीटा माइनस ये यू साइन जीरो का मान जीरो, तो ये बनेगा वी साइन 90 का मान वन। अब वही साइन डेल थीटा हमारा डेल थीटा बनेगा और कोस डेल थीटा हमारा वन बनेगा, तो ये बनेगा यू प्लस डेल यू इंटू डेल थीटा प्लस वी प्लस डेल वी इंटू वन, ये माइनस वी इक्वल में ये बन जाएगा हमारा यू डेल थीटा, ये डेल यू डेल थीटा का मल्टीपल जीरो ले लेंगे हम, जैसे डेल वी डेल थीटा का लिया है, और ये इसे मल्टीपल होगा तो v से v कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा हमारा डेल v,
ओके, तो डेल्टी समय अंतराल में ओपी के जो अनुप्रस्थ आया, ओपी के जो अनुप्रस्थ हमारा वेग में परिवर्तन हुआ वो हुआ हमारा यू डेल थीटा प्लस डेल वी, इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें निकालना क्या है, हमें त्वरण निकालना है। ये तो हमने वेग में परिवर्तन निकाला है और त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। ओके, क्या होगा वेग त्वरण, वेग में परिवर्तन की त्वरण। तो अब हम निकालेंगे इसका आरीय त्वरण या रेडियल एक्सेलरेशन। इसका जो आरीय त्वरण होगा वो क्या होगा हमारा डेल, इसमें वेग में परिवर्तन की दर निकालनी है तो ये बनेगा लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, डेल टी समय अंतराल में ओपी के अनुदिश वेग में परिवर्तन, डेल टी समय अंतराल में ओपी के अनुदिश वेग में परिवर्तन, और जैसे इसकी दर निकालेंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल टी आ जाएगा। तो ये बनेगा हमारा लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, इसका मान हमने निकाल रखा है डेल यू माइनस वी डेल थीटा अपॉन में डेल टी। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल यू डेल टी माइनस v लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल थीटा डेल टी। तो ये बन जाएगा डेल यू डेल टी लिमिट के ऊपर डी यू अपॉन में डी टी माइनस ये हमारा v, और ये बन जाएगा हमारा डी थीटा अपॉन में डी टी। अब u का मान है हमारे पास में r डॉट, तो ये मान रखेंगे हम d अपॉन में dt, r डॉट को हम dr अपॉन dt भी बोलते हैं, तो ये बनेगा dr अपॉन में dt माइनस v d थीटा अपॉन dt। तो इस v का मान भी हम लिख देंगे क्या, r थीटा डॉट, और ये एक और थीटा डॉट बनेगा, इसका टू टाइम्स तक डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा आर डबल डॉट माइनस का आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया हमारे पास आरीय त्वरण। आरीय त्वरण का मान क्या आया, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर। ऐसे ही हम अनुप्रस्थ त्वरण निकालेंगे तो अनुप्रस्थ त्वरण में क्या आ जाएगा हमारा, अनुप्रस्थ त्वरण के अंदर यहां अनुदिश की जगह आएगा हमारा अनुप्रस्थ, और यहां जो वैल्यू है वो वैल्यू आएंगी हमारी यू डेल थीटा, यू डेल थीटा प्लस डेल वी। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो चेंजेस होंगे वो होंगे लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, ये होगा हमारा u, इस u को हम बाहर लिख सकते हैं डेल थीटा डेल टी प्लस लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल v डेल टी, इसका मान होगा हमारा u, ये बन जाएगा थीटा डॉट प्लस ये बनेगा डी वी अपॉन में डी टी। U का मान r थीटा r डॉट लिखेंगे तो ये बनेगा r डॉट थीटा डॉट प्लस ये बनेगा d अपॉन में dt, v का मान है हमारे पास में r थीटा डॉट, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो r डॉट थीटा डॉट, एक बार r का करेंगे एक बार थीटा डॉट का करेंगे, तो पहले r का करेंगे तो बनेगा r डॉट थीटा डॉट प्लस इस थीटा डॉट का करेंगे तो r थीटा डबल डॉट। अब हम इन्हें ऐड कर देंगे तो ये r डॉट थीटा डॉट बनेंगे 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट। ओके, तो ये आ गया हमारे पास में अनुप्रस्थ त्वरण। तो ऐसे हम इसके आरीय और अनुप्रस्थ त्वरण की जो डेरिवेशन है उसको करेंगे। अब हम आपके एग्जांपल सीक्वेंस वाइज लेते हैं
और उन्हें सॉल्व करते हैं। अब आपकी बुक का एग्जाम्पल 8 है, जो कि शेखावाटी यूनिवर्सिटी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन था, एक कीड़ा किसी गाड़ी के, कोई कीड़ा है जो किसी गाड़ी के एक त्रिज्या वाले पहिए, ओके, जो पहिया है उसकी रेडियस दी हुई है हमें ए, के आरे पर अचर चाल, ये जो पहिया है इसकी ध्रुवी और ऐसे इसको लाइनें होती है, इन्हें बोलते हैं हम आरा। तो कोई कीड़ा है जो इस आरे के ऊपर अचर चाल, ओके, उसकी जो चाल है वो कांस्टेंट है, क्या दी हुई है, यू से रेंगता है, और गाड़ी है वो वी वेग से चलती है, दैट मींस कोई गाड़ी चल रही है और जो कीड़ा है वो उसके पहिए के ऊपर चल रहा है, दोनों ही गति कर रहे हैं, कीड़ा भी और गाड़ी भी, गाड़ी एक समान वेग वी से चल रही है और जो कीड़ा है वो यू एक समान चाल से चल रहा है। टी समय पर आरे की दिशा में कोई एक आरा लेंगे हम, उस आरे की दिशा में तथा उसके लंबवत दिशा में कीड़े के त्वरण ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने देखा था कि इसके दिशा में आर्य त्वरण होता है और इसके लंबवत दिशा में अनुप्रस्थ त्वरण होता है। तो पहले हम जिसके लिए ये बात कर रहा है कीड़े की चाल के लिए, तो हम एक पहिया बनाते हैं, पहिया कैसा होगा, एक सर्किल के जैसा होगा। तो ये बनाया हमने एक पहिया, ये मान लिया हमने इसका सेंटर पॉइंट और ये लिया हमने वो आरा जिसके ऊपर कीड़ा यू चाल से रेंग रहा है, माना कीड़ा यहां से चल रहा है यू वेलोसिटी से और टी समय बाद वो यहां आ गया और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है हमने वो ले ली हमने आर, ओके। तो कीड़ा यहां से चलना स्टार्ट किया और टी समय बाद वो पी बिंदु पर आया, रेंगता हुआ, यू चाल है। अब ये जो गाड़ी है गाड़ी भी चल रही है, गाड़ी चलेगी तो ये पहिया भी घूमेगा, तो ये जो पहिया जो घूम रहा है उसकी जो हमने वेग लिया वो वेग लिया हमने भी, ओके। तो ये है वेग और जो पहिए का वेग होगा वो इसके ऊपर स्पर्श रेखा के अकॉर्डिंग होगा। और ये भी हम जानते हैं क्या कि कोई सर्किल है, सर्किल की जो टेंजेंट लाइन है स्पर्श रेखा वो त्रिज्या के साथ 90 डिग्री के ऊपर होती है, तो ये इसकी रेडियस, ये इसकी स्पर्श रेखा और एंगल कितने होंगे इसके ऊपर, 90 होगा। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है इस पहिए की त्रिज्या, इसका मतलब हमने एक लाइन ड्रॉ की और इसको हमने ए मान लिया, ये भी हमारा ए होगा और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो भी हमारी ए डिस्टेंस होगी, इसको हमने ए बी नाम दे दिया। अब हमने माना कि ये जो ओपी है ये इस एबी के साथ थीटा कोण के ऊपर है, हमें एंगल्स चाहिए तभी हम इसके स्पर्श रेखा और अनुप्रस्थ त्वरण निकाल पाएंगे। तो हमने इस एबी के सापेक्ष इसका थीटा एंगल ले लिया। अब यहां हमारे पास जो कंडीशंस है, हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है एक तो इसका स्पर्श रेखीय त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण और स्पर्श रेखीय त्वरण होता है हमारा r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का होल स्क्वायर, और एक पूछा है इसने अनुप्रस्थ त्वरण, और अनुप्रस्थ त्वरण अभी हमने निकाला है 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट, 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट, ये हमें मान निकालने हैं। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है कि ये जो u है इस op के अनुदिश है, op के अनुदिश जो वेग होता है
उसे हम आर डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ ये जो यू है यही हमारा आर डॉट भी है। तो आर डॉट का मान यहाँ यू है, और यू क्या दिया हुआ है हमें, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट दिया हुआ है। दैट मीन्स हम आर डबल डॉट का मान निकालें तो आर डबल डॉट कॉन्स्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, जीरो। और क्या है ओपी के लंबवत वेग, ओपी के लंबवत वेग हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर थीटा डॉट से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, आर थीटा डॉट से। और इस ओपी के लंबवत वेग क्या दिया हुआ है हमें, वी। और ये भी क्या है हमारा, कांस्टेंट। ये भी क्या है हमारा, कांस्टेंट। ओके, तो यहां हमें क्या नोट रखना है, स्टूडेंट्स अक्सर यहाँ मिस्टेक्स करते हैं इसमें, वो यहाँ आर थीटा डॉट से इस क्वेश्चन को करके आ जाते हैं, वही रॉन्ग हो जाता है। ये थीटा डॉट ओके, लेकिन ये आर हम कौन सी आर लेते हैं, इस ओ से, पोल से, जिस पॉइंट पर हमें परपेंडिकुलर वेग दिया हुआ है वो मान निकालने के लिए यहां से यहां तक की दूरी लेंगे। ये आर तो यहां है, हमने यहां थोड़ी ना कहा है कि इसका वेग वी है, इसके तो परपेंडिकुलर नहीं लिया। यदि हम इसके परपेंडिकुलर लेते तो यहां आर लेते, हमने कहां लिया है, यहां पे लिया है। तो यहां से यहां तक की हम दूरी लेंगे, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, ए दूरी है। तो यहां इस चीज को नोट रखें कि यहां क्या आएगा हमारा, ए थीटा डॉट आएगा। वी कांस्टेंट है, ए इसकी रेडियस है, ये भी कांस्टेंट होगा। तो यहां से थीटा डॉट वी अपॉन में ए कांस्टेंट होगा, और इंप्लाइज करके थीटा डबल डॉट इसका मान निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, जीरो। अब हमने आर मर्जी से लिया है, तो मर्जी से लिया है तो इसको लास्ट में हमें हटाना भी पड़ेगा। तो इसको हम हटा सकते हैं, कैसे हटाएंगे, दूरी बराबर होता है हमारा चाल गुणा समय, इंप्लाइज करके दूरी हमने क्या मान रखी है यहां से यहां तक की आर, चाल क्या माना है हमने यू, समय कितना लिया यहां से यहां तक इसने टी, तो R का मान क्या आ गया हमारा, ut। अब हमारे पास R का मान है थीटा डॉट, थीटा डबल डॉट, R डॉट, R डबल डॉट के मान है। तो यहां से हम वैल्यू निकालते हैं, स्पर्श रेखीय त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण है, इसका मान होगा R डबल डॉट का मान जीरो माइनस R, R का मान है ut, थीटा डॉट, थीटा डॉट है हमारे पास में यहां से v अपॉन में a, इसका स्क्वायर होगा तो v स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर। तो ये बनेगा माइनस का u v स्क्वायर t अपॉन में a स्क्वायर। अनुप्रस्थ त्वरण ये बनेगा हमारा 2r डॉट थीटा डॉट, तो ये 2r डॉट है हमारा u, थीटा डॉट है हमारा v अपॉन में a, प्लस r थीटा डबल डॉट, थीटा डबल डॉट का मान जीरो, तो ये आ गया 2u v अपॉन में a। तो ये आ गया हमारे पास में स्पर्श रेखीय त्वरण, और ये आ गया हमारे पास में अनुप्रस्थ त्वरण। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 9 है फर्स्ट सीके एक्सरसाइज का, जो शेखावटी में 2019 में पूछा है हमसे। क्वेश्चन है, एक कण वृत्त r इक्वल्स टू 2a cos थीटा, तो हमें r का मान दिया हुआ है कि अनुदिश इस प्रकार गमन करता है कि मूल बिंदु की ओर इसका त्वरण सदैव शून्य होता है, मूल बिंदु की ओर त्वरण सदैव शून्य होता है, सिद्ध करो कि ये कंडीशन होगी। ओके, हमें क्या दिया हुआ है, मूल बिंदु की ओर। ओके, तो मूल बिंदु की ओर होगा, दैट मींस वो आर्य त्वरण की बात कर रहा है, और यदि किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर बता रहा है तो वो अनुप्रस्थ की बात कर रहा है। तो
तो यहाँ मूल बिंदु की तरफ कह रहा है, दैट मीन्स वो अर्यत्वर्ण की बात कर रहा है। तो यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ हमें दिया हुआ है इसका जो अर्यत्वर्ण है, अर्यत्वर्ण का मान 0 इंप्लाइज करके। अर्यत्वर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज करके आर डबल डॉट का मान आर थीटा डॉट का स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट। और हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है आर इक्वल्स टू 2a cos थीटा दिया हुआ है। हमें ये कंडीशंस दी हुई है, इस कंडीशंस की हेल्प से हम ये इक्वेशन हमें दी हुई है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो r का मान हमारे पास ये है, r डॉट बनेगा हमारा 2a cos थीटा का बनेगा माइनस का sin थीटा, थीटा डॉट हमें क्या चाहिए, r डबल डॉट चाहिए। इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 2a sin थीटा का बनेगा cos थीटा, और एक थीटा डॉट और आएगा, एक थीटा डॉट पहले से है तो थीटा डॉट का होल स्क्वायर। अब इस थीटा डॉट का करेंगे तो ये बनेगा हमारा माइनस का 2a sin थीटा, थीटा डबल डॉट। ओके, तो ये आ गया हमारे पास में r डबल डॉट का मान। इसे और लिख सकते हैं हम, आगे सॉल्व करें तो 2a cos थीटा और 2a cos थीटा की जगह हम r लिख सकते हैं, तो ये बनेगा माइनस का r 2a cos थीटा की वैल्यू थीटा डॉट का होल स्क्वायर माइनस 2a sin थीटा, थीटा डबल डॉट। इसे दे दे हम इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम कंपेयर करें तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो फर्स्ट एंड सेकंड से हमारे पास क्या वैल्यू आई, r थीटा डॉट का स्क्वायर इक्वल में माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस 2a sin थीटा, थीटा डबल डॉट। r थीटा डॉट माइनस का प्लस का इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये बनेगा हमारा 2r थीटा डॉट का होल स्क्वायर माइनस का 2a sin थीटा, थीटा डबल डॉट। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें प्रूव करना है d2 थीटा dt स्क्वायर। तो इसको हमें एक तरफ रखना है, बाकी सबका हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी। इसे लिख सकते हैं हम थीटा डबल डॉट इक्वल में इसका डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा r थीटा डॉट का स्क्वायर अपॉन में ये बनेगा हमारे पास, यहां r थीटा डॉट का स्क्वायर बन गया, ये बन गया हमारे पास में r थीटा डॉट का स्क्वायर अपॉन में 2a sin थीटा, ये बना हमारा मान। हमें प्रूव करना है माइनस का 2 cot थीटा, तो यहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे r अपॉन में 2a। देखो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, r अपॉन में 2a का मान cos थीटा। तो ये जो r अपॉन में 2a हमारे पास में वैल्यू है, इसकी वैल्यू बनेगी हमारी, ये माइनस में है तो माइनस थीटा डॉट का स्क्वायर अपॉन में r अपॉन में 2a की वैल्यू बनेगी cos थीटा। तो इसको लिख देंगे हम यहां cos थीटा और ये हमारा sin थीटा, तो ये बन जाएगा हमारे पास। इसको इसी फॉर्म में लिख देंगे हम तो ये बनेगा d2 थीटा dt स्क्वायर, ये माइनस का cos sin बनेगा cot थीटा, ये बन जाएगा d थीटा dt का होल स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था। तो इसको हम इजीली प्रूव कर पाए, हमें अर्यत्वर्ण का फॉर्मूला याद था, कंडीशंस लगाई, जो जो वैल्यू हमें चाहिए थी वो वैल्यू हमने फाइंड की, और लास्ट में हमने कंपेयर करके इसको इजीली वेरीफाई कर लिया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं जो कि नेक्स्ट एग्जाम में आया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में।
क्वेश्चन है, ये आपकी बुक का एग्जांपल थर्ड है। एक बिंदु एक समान वेग v से एक त्रिज्या वाले वृत्त में गतिमान है। ओके, एक पॉइंट है जिसका वेग v है और एक सर्किल है जिसकी रेडियस a है। इसके अंदर ये गतिमान है, सिद्ध करो कि इसका अरीय त्वरण ये है, अनुप्रस्थ त्वरण ये है, और ये हमें कंडीशंस दी हुई है कि वृत्त का जो व्यास है वो प्रारंभिक रेखा है, इनिशियल लाइन, और जो व्यास का एक सिरा है उसे हम ध्रुव लेंगे। ओके, तो ये हमारा एक सर्किल बनाना है हमें, तो ये हमने एक सर्किल बना दिया। ये हमारा इसका पॉइंट, सेंटर पॉइंट। अब इसकी जो प्रारंभिक रेखा है वो प्रारंभिक रेखा हमने मान ली ए बी। अब ये कोई बिंदु है एक समान वेग, तो ये जो वेग है इस वृत्त के ऊपर वी वेग से एक समान राउंड कर रहा है, इसके ऊपर चल रहा है। अब टी समय बाद माना कि जो कण था वो चलता चलता इस पॉइंट के ऊपर है हमारा, तो ये कह रहा है कि यदि वृत्त के किसी व्यास को प्रारंभिक रेखा, तो इसको हमने प्रारंभिक रेखा लिया, और व्यास के एक सिरे को ध्रुव, तो इसको हमने ध्रुव माना, और यहां हमने मिलाया, और ये पॉइंट हमने पी पॉइंट मान लिया, और ये पी पॉइंट वो पॉइंट है जब बिंदु टी समय बाद इस सर्किल के ऊपर होगा। तो इसको हमने थोड़ा आगे बढ़ाया और हमने क्या किया, इसके इसी पॉइंट के ऊपर हमने एक स्पर्श रेखा ड्रॉ कर दी, क्योंकि ये जो कण इसके ऊपर जो गमन करेगा उसका वेग ये शो करेगा हमारा v। तो यहां हमें दिया हुआ है वेग v है, एक समान है, तो ये आ गया हमारा वेग आ गया, ये हमारी लाइन, ये हमारा सेंटर पॉइंट, इसको हमने OC से मिला दिया। अब हमने यहां एक पॉइंट लिया इस B से, इसको पास कर दिया। ओके, तो इस B पॉइंट से हमने इसको मिला दिया, तो ये लाइन हो गई हमारी। अब यहां हमारे पास, तो अब ये जो है हमने इसको पॉइंट C बोल दिया। अब हमें दिया हुआ है इसकी रेडियस A है, दैट मींस ये हमारी A होगी, ये हमारी A होगी, और जो पॉइंट P है ध्रुव से पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो हम R मानते हैं, एंगल हम थीटा लेते हैं। अब देखो ये इसका सेंटर है, ये ए पी सी एक ट्राई एंगल है, और ये हम जानते हैं कि कोई ट्राई एंगल है उसकी बराबर वाली भुजाएं आमने सामने के बराबर कोण बनाते हैं, तो ये इसके बराबर है, तो इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये दोनों बराबर होंगे, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड, हमें ये एंगल चाहिए, तो ये एंगल मेजरमेंट करने के लिए हम ये सब प्रोसेस कर रहे हैं। अब हमारे पास ये थीटा है, ये थीटा आ गया, हम ये भी जानते हैं कि जो स्पर्श रेखा है वो त्रिज्या से 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये इसकी रेडियस है, ये इसकी टेंजेंट है, तो ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ओके, ये हमारा 90 का एंगल आ गया। सेकंड कंडीशन, इसका जो ये हम अनुप्रस्थ दिशा ले रहे हैं, ये हमने अरीय दिशा ली है और ये हमने अनुप्रस्थ दिशा ली है। ये जो अनुप्रस्थ दिशा है ये इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 का बनाएगा, तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा, 90 का। ये एंगल हमारा
90 का होगा तो ये एंगल 90 का है, तो इसके जो नीचे का जो एंगल होगा ये एंगल भी हमारा 90 का होगा, ठीक है। ये यहां से यहां तक का एंगल हमारा 90 और ये जो डॉट डॉट करके है यहां से लेकर यहां तक 90 है, तो इसका जो मान होगा हमारा यहां ये एंगल ए पी सी प्लस सी पी डी कोण ए सी ए पी सी प्लस कोण सी पी बी सी पी बी इसका मान 90 है, ये एंगल और ये एंगल, और 90 कौन सा है सी पी बी कोण सी पी बी प्लस बी पी इसको आप डी नाम दे दो बी पी डी इक्वल्स टू 90 क्यों कर रहे हैं ये एंगल निकालने के लिए। अब यहां हमारे पास में सी पी बी यहां भी है सी पी बी यहां भी है, हमने क्या किया फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को माइनस किया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ए पी सी इससे ये कैंसिल हो जाएगा माइनस बी पी डी इक्वल में 90 में से 90 जीरो इंप्लाइज करके कोण ए पी सी आ गया हमारा कोण बी पी डी के, दैट मीन्स ए पी सी कितना है थीटा, तो बी पी डी कितना जाएगा हमारा थीटा, और ये कोण एक दूसरे के बराबर होंगे शीर्षाभिमुख कोण से, तो ये भी कोण आ गया हमारा थीटा। तो ये सभी कैलकुलेशन हमने इस कोण का मान निकालने के लिए किया है, तो ये कोण आ गया हमारा थीटा। अब हम इजी इसको कर पाएंगे, अब ये वी है ये लाइन इसके साथ कितना कोण बना रही है थीटा, ये हम जानते हैं कि इसकी दिशा में जो वेग होगा वो इस वेग को इस एंगल के साथ कोस लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, तो इस डायरेक्शन में इसका मान होगा v cos थीटा, इस डायरेक्शन में इसका मान v cos थीटा, और यहां ये 90 और ये थीटा, तो यहां बनेगा हमारा इस डायरेक्शन में v cos 90 प्लस थीटा, और ये बन जाएगा हमारा माइनस का v sin थीटा, क्या बन जाएगा माइनस का v sin थीटा, तो ये वेग आ गया हमारा माइनस v sin थीटा, ये हमारा v cos थीटा, ओके। अब एक कंडीशन और इसमें हम देखें तो ये हमारा a p b ओके a p b ये एंगल हमारा 90 का है, तो ये हमारा कर्ण होगा, यहां ये एंगल है ये एंगल है, तो ये हमारा आधार हो जाएगा, आधार और कर्ण में हम रिलेशन लें तो आधार और कर्ण में रिलेशन होता है कोस का, तो यहां से बनेगा हमारे पास r इक्वल्स टू 2a cos थीटा, ओके। हमारे पास r इक्वल्स टू 2a cos थीटा इस ट्राई एंगल से मान आ गया, ये हमारा r ये 2a कोस का फॉर्मूला लगाएंगे आधार बटे कर्ण, तो हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी आर की 2a cos थीटा। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें इस डायरेक्शन में इसका वेग दिया हुआ है, तो इस डायरेक्शन में जो वेग होता है वो होता है अरिय वेग, तो r डॉट का मान हमें दिया हुआ है माइनस का v sin थीटा, एंड इस डायरेक्शन में जो वेग होगा वो होगा हमारा अनुप्रस्थ वेग, और इसे हम r थीटा डॉट कहते हैं, और इसका मान है हमारे पास में v cos थीटा, तो ये आ गया हमारा अनुप्रस्थ वेग, ये आ गया हमारा अरिय वेग। अब हमें मान किसके निकालने हैं, हमें अरिय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण निकालने हैं, तो इसका जो अरिय त्वरण होगा हमारा
वो होगा आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। आर डबल डॉट इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, v हमें एक समान दिया हुआ है तो ये कांस्टेंट की तरह होगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होगा तो माइनस का v कोस थीटा, थीटा का बनेगा थीटा डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारा आर थीटा डॉट की वैल्यू हम ये ले सकते हैं वी कोस थीटा और ये हमारा थीटा डॉट, ये हमारा थीटा डॉट, आर थीटा डॉट की वैल्यू वी कोस थीटा, एक थीटा डॉट हमने ये लिया, ये भी वी कोस थीटा थीटा डॉट, तो ये बनेंगे माइनस की टू वी कोस थीटा थीटा डॉट। जबकि हमें प्रूफ क्या करना है, माइनस का वी स्क्वायर अपॉन में एक कोस थीटा, तो ये वैल्यू हमें ये लेकर के आनी है, तो यहाँ कोस है, इस माइनस टू वी थीटा डॉट को हमें हटाना है, तो इसको हटाने के लिए यहाँ हमारे पास जो वैल्यू है इस थीटा डॉट का मान यहां से रख देंगे हम, ये बनेगा हमारा, यहां से थीटा डॉट का मान रखेंगे हम माइनस का टू, थीटा डॉट का मान है v cos थीटा अपॉन में r, तो एक v cos थीटा है और इस थीटा डॉट का मान रखेंगे v cos थीटा अपॉन में r। ओके, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब यहां हमारे पास r नहीं है तो इस r का मान हम यहां से रख देंगे 2a cos थीटा, तो ये बनेगा हमारा माइनस का 2v cos थीटा into v cos थीटा, इस r का मान रखा हमने 2a cos थीटा, 2a cos थीटा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा से 1 cos थीटा कैंसिल होगा, तो हमारे पास वैल्यू बचेगी ऊपर से v और v v स्क्वायर 1 cos थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, v स्क्वायर बन गया, 1 cos आ गया, नीचे बचा हमारा cos से cos कैंसिल, 1 a बचेगा और ये हमारा माइनस का, तो ये आ गया हमारे पास में अरीय त्वरण माइनस वी स्क्वायर अपॉन में एक कोस थीटा। ऐसे ही हम इसका अनुप्रस्थ त्वरण निकालेंगे, तो अनुप्रस्थ त्वरण होगा हमारा 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट इक्वल्स टू 2r डॉट थीटा डॉट हमारा प्लस आर थीटा डबल डॉट। तो हमारे पास में थीटा डबल डॉट की वैल्यू है, ये आर थीटा डॉट की वैल्यू है हमारे पास, यहां से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो ये है हमारे पास थीटा डॉट का मान बी कोस थीटा अपॉन में आर, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार और, तो हमारे पास वैल्यू बनेगी आर, तो मल्टीपल में थीटा डबल डॉट का यू अपॉन वी से करेंगे, तो ये एक बार हम इस आर का करेंगे तो बनेगा माइनस का वी कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, और आर का बन जाएगा हमारा आर डॉट, एक बार इस वी कोस थीटा का करेंगे तो ये बनेगा हमारा वी कोस का बनेगा माइनस का साइन थीटा थीटा डॉट अपॉन में आ, तो इसे हम सॉल्व करें तो ये बनेगा हमारे पास में 2 r डॉट थीटा डॉट, ये इससे कैंसिल होगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस का v cos थीटा, माइनस का v cos थीटा अपॉन में r, और ये r डॉट इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा माइनस का v sin थीटा थीटा डॉट, माइनस का v sin थीटा थीटा डॉट। अब हमारे पास ये वैल्यू है तो इक्वल्स टू 2 r डॉट का मान हम यहां से रखेंगे माइनस का v sin थीटा, और इस थीटा डॉट का मान हम यहां से रख देंगे
v cos थीटा अपॉन में r माइनस ये v cos थीटा अपॉन में r और यहां से जो हमारे पास वैल्यू है r डॉट इसका मान रखा हमने माइनस का v sin थीटा यहां हमारे पास माइनस v sin थीटा और इस थीटा डॉट का मान है हमारे पास में v cos थीटा अपॉन में r इसे हम सॉल्व करें तो ये बनेगा हमारा माइनस का 2v स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में r यहां बनेगा प्लस का v स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में r तो एक माइनस का बच जाएगा हमारे पास में एक माइनस का बचा v स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में r और यहां से बचा हमारा माइनस का v स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा r तो ये ट्वाइस होंगे और इसे हम लिख सकते हैं माइनस का v स्क्वायर अपॉन में r साइन 2 थीटा तो ये आ गया हमारे पास में इसके अनुप्रस्थ त्वरण का मान जबकि हमें पूछा गया है ये तो यहां हम इस r का मान वापस से यहां से रखेंगे तो ये बनेगा माइनस का v स्क्वायर अपॉन में माइनस का v स्क्वायर अपॉन में r का मान रख देंगे हम 2a cos थीटा sin 2 थीटा का मान 2 sin थीटा cos थीटा इसे हम सॉल्व करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा cos से cos कैंसिल होगा यहां बचेगा हमारे पास माइनस का v स्क्वायर sin थीटा अपॉन में a और यही हमें प्रूव करना था तो इस प्रकार से हम इसके आर्य और अनुप्रस्थ त्वरण निकाल देंगे नेक्स्ट आपकी बुक का एग्जांपल 4 है जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2017 में पूछा गया है इसमें कह रहा है एक छल्ला जो कि एक पतली लंबी चिकनी छड़ पर फिसल सकता है छड़ के एक सिरे O से D दूरी पर स्थित है छड़ को एक समान रूप से बिंदु O के सापेक्ष एक क्षैतिज तल में घुमाया जाता है सिद्ध कीजिए कि छल्ला वक्र में घूमता है ओके इस कर्व के अंदर जो छल्ला है वो मूव करेगा तो इसके लिए हमने क्या किया एक छड़ ली ये हमने इसका पोल लिया ये हमने एक्स अक्ष ली और ये हमने मान लिया कि ये जो डी दूरी के ऊपर है O से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो हमने d मान ओके फर्स्ट में हमने इसे m पॉइंट कह दिया और ये जो पॉइंट्स है ये मूव करके क्या है कंडीशन एक छड़ है छड़ के ऊपर कोई छल्ला है इसको हमने फिक्स किया और इसको हम ऐसे मूव करवा रहे हैं तो जैसे मूव करेंगे तो वो छल्ला थोड़ा आगे की तरफ जाएगा तो यहां हमने ये कंडीशंस मान ली छल्ले की पॉइंट P पे और यहां से यहां तक की डिस्टेंस हम r मानते हैं और ये एंगल हम थीटा मानते हैं तो हमने माना कि जो छल्ला प्रारंभ में m बिंदु पे था O से d दूरी पर वो t समय बाद इस P बिंदु पर पहुंचा और इसकी जो प्रारंभ से जो एंगल है वो थीटा है और O से इसकी डिस्टेंस कितनी है r है तो यहां हमें पूछा क्या गया है यहां पूछा गया है हमें चिकनी छड़ पर फिसल सकता है दैट मींस कोई स्मूथ छड़ है चिकनी छड़ है और ये ध्यान रखना कि स्मूथ या चिकनी छड़ के ऊपर आर्य त्वरण जीरो होगा क्योंकि जिसके अकॉर्डिंग कोई चिकना फर्श है उस पर हम चलते हैं फिसलेंगे तो फर्श के अकॉर्डिंग जो त्वरण है वो जीरो होगा तो इसके अकॉर्डिंग जो त्वरण लगता है वो कौन सा है आर्य त्वरण तो ये हमें दिया हुआ है कि यहाँ जो आर्य त्वरण होगा हमारा वो जीरो होगा इसका मतलब आर्य त्वरण क्या होगा हमारा आर्य त्वरण होगा हमारा r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो ये हमें यहां से एक कंडीशंस आई सेकंड कंडीशंस क्या दी हुई है हमें एक समान रूप से घुमाया जाता है इसका मतलब एक समान घूम रहा है
इसका मतलब थीटा एक समान है तो हमेशा थीटा डॉट का मान कांस्टेंट आएगा, उसे हम ओमेगा बोलते हैं और ये होगा हमारा कांस्टेंट। तो इसको दिया हमने इक्वेशन सेकंड। अब ये थीटा डॉट का मान हमने फर्स्ट में रखा तो आर डबल डॉट माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। अब ये हमारे सेकंड ईयर की डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया तो इसे हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल्स टू जीरो और इसका हम सी एफ निकालेंगे, वो इसका सॉल्यूशन होगा क्योंकि राइट साइड में तो जीरो है। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लेंगे वो बनेगा एम स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो और यहाँ से एम के मान आगे प्लस माइनस ओमेगा। इसके दो सॉल्यूशन होते हैं, एक तो होगा सी वन ई की पावर ओमेगा टी प्लस सी टू ई की पावर माइनस ओमेगा टी, जबकि हमें हाइपरबोलिक में दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला अप्लाई न करके हम कौन सा लगा देंगे, हम इसका दूसरा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और यहाँ से आर का मान हमने लिखा सी वन कोस हाइपरबोलिक ओमेगा टी प्लस सी टू साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी। ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो भी ये बन जाएगा हमारा, बट इसमें कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स बनेंगी। तो इसके दो फॉर्मूले हैं, एक तो हाइपरबोलिक एक ई की पावर, तो ये दोनों ही आप याद रखो। यदि ई की पावर में प्रूफ कर रहा है तो ये लगाएंगे, हाइपरबोलिक में प्रूफ कर रहा है तो ये लगाएंगे। अब ये हमारे पास में आर का मान आ गया, आर डॉट का मान बनेगा हमारा सी वन ओमेगा, कोस का बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी, सी टू ओमेगा साइन का बनेगा कोस हाइपरबोलिक ओमेगा टी। ओके, ध्यान रखना साइन कोस हाइपरबोलिक दोनों के ही डिफरेंशिएशन भी और इंटीग्रेशन भी पॉजिटिव होते हैं। अब यहां हमें क्या दी हुई है कंडीशन, ये टी समय बाद यहां आया, सपोज करो यदि टी का मान जीरो हो, तक टी का मान जीरो हो तो ये पी पॉइंट कहां होगा एम पर। तो यदि टी बराबर जीरो, यदि t बराबर जीरो तब एक तो ये जो d है वो किसके बराबर होगा r के, ये r d के बराबर होगा और r डॉट ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो। तो ये कंडीशन हम यहाँ यूज करेंगे और हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो एक बार तो हमने यहाँ लिखा t का मान जीरो आर जीरो, तो समीकरण तीन से हमारे पास वैल्यू बनी आर का मान डी, ये बना हमारा डी इक्वल्स टू टी का मान जीरो रखेंगे तो इस कोस हाइपरबोलिक जीरो का मान वन साइन हाइपरबोलिक जीरो का मान जीरो, तो ये तो जीरो हो गया कंप्लीट, यहां बनेगा सी वन, तो सी वन का मान आया हमारा डी। अब सेकेंड कंडीशन हम अप्लाई करें, टी बराबर जीरो आर डॉट बराबर जीरो इंप्लाइज करके फोर से हम देखें तो ये भी जीरो, यहां हम जीरो रखेंगे तो ये जीरो बन गया, यहां जीरो रखेंगे तो वन आएगा, तो ये बनेगा सी टू ओमेगा। ओमेगा जीरो हो नहीं सकता क्योंकि यदि ओमेगा जीरो हो गया तो वो मूव ही नहीं करेगा, तो ये तो जीरो होगा नहीं, तो क्या जीरो बनेगा सी टू बराबर जीरो। अब सी टू जीरो है, सी वन डी है, तो R का मान क्या बना हमारा, R का मान बन गया हमारा C1 का मान रखा हमने D, D cos hyperbolic omega T, cos hyperbolic omega T। ये आया हमारे पास में R का मान, C2 का मान जीरो है, बट हमें प्रूफ क्या करवा रहा है, हाइपरबोलिक थीटा में मान दिया हुआ है जबकि हमारे पास ओमेगा टी में आया है। क्यों आया है, क्योंकि हमने मर्जी से ये माना है। तो इसे हम वापस से चेंज करेंगे, तो इसे लिखेंगे हम d थीटा अपॉन में dt इक्वल्स टू ओमेगा, इसे आगे सॉल्व करें तो d थीटा बराबर ओमेगा dt और इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा थीटा इक्वल्स टू ओमेगा t प्लस एक अनोदर कांस्टेंट c3।
अब यदि हम टी का मान जीरो लेंगे तो थीटा भी जीरो होगा, तो टी बराबर जीरो थीटा बराबर जीरो इंप्लाई करके यहां टी का मान जीरो रखेंगे, थीटा का मान जीरो, ये जीरो, तो सी थ्री का मान जीरो आ गया, तो थीटा का मान क्या आ गया ओमेगा टी, इस ओमेगा टी का मान यहां रख देंगे हम, तो आर का मान बनेगा डी कोस हाइपरबोलिक थीटा, डी कोस हाइपरबोलिक थीटा। तो ये था आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी 17 में आया हुआ क्वेश्चन। अब हम 16 में जो आया है क्वेश्चन वो करने जा रहे हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है, जो कि बुक का एग्जांपल सेकंड है। ये कह रहा है किसी कण के अरीय व अनुप्रस्थ वेग हमें ये दिए हुए हैं, हमें सिद्ध करना है कि जो कण का जो पथ है वो ये होगा, उसके त्वरण के घटक, त्वरण के घटक हमें दो ही त्वरण के घटक हैं, एक तो अरीय त्वरण के घटक और एक अनुप्रस्थ त्वरण के घटक, ये हमारे होंगे। तो हमें पहले तो जो दिया हुआ है वो लेकर के चलें। हमें दिया हुआ है यहाँ, हमें यहाँ दिया हुआ है एक तो इसका जो अरीय त्वरण है, अरीय त्वरण हम आर डॉट या डी आर डी टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये दिया हुआ है हमें लैम्डा आर स्क्वायर, और सेकंड हमें दिया हुआ है आर थीटा डॉट, इसका मान दिया हुआ है हमें म्यू थीटा स्क्वायर, इसको दे दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट, इसे दिया हमने इक्वेशन सेकंड, तो इसे हम लिख सकते हैं आर डॉट और ये हमारा आर थीटा डॉट। हमें क्या कह रहा है आगे, पथ का समीकरण पूछा है ये, तो इसे हम इसी फॉर्म में लिखें तो ये बनेगा आर डी थीटा डी टी इक्वल्स टू म्यू थीटा स्क्वायर। यहां हमारे पास में लेफ्ट थीटा और आर में इक्वेशन है, तो हमने क्या किया फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड कर दिया, हमने फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड किया, तो हमारे पास वैल्यू आई डी आर अपॉन में डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, आर डी थीटा इक्वल में लैम्डा आर स्क्वायर अपॉन में म्यू थीटा स्क्वायर। ये आर स्क्वायर है, ये डी आर है, सेपरेट करेंगे हम तो ये बनेगा हमारा डी आर अपॉन में आर क्यूब इक्वल में ये डी थीटा इधर चला जाएगा लैम्डा अपॉन में म्यू वन बाई थीटा स्क्वायर डी थीटा। इसका हम इंटीग्रेशंस करें तो ये बनेगा हमारे पास में आर की पावर माइनस थ्री का बन जाएगा आर की पावर माइनस टू अपॉन में माइनस टू इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन में म्यू थीटा की पावर माइनस टू का बनेगा थीटा की पावर माइनस वन अपॉन में माइनस वन प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा हमारा सी वन। अब इसे हम सॉल्व करें तो ये बनेगा हमारे पास में माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा वन अपॉन में टू आर स्क्वायर इक्वल में यहां बनेगा हमारा लैम्डा अपॉन में म्यू थीटा माइनस सी वन। अब हमें प्रूव करना है लैम्डा अपॉन में थीटा, तो इस म्यू को हमने मल्टीपल किया, इस सी वन को हम इधर लेके गए तो ये आया लैम्डा अपॉन में थीटा, म्यू से मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा वन अपॉन में टू म्यू आर स्क्वायर और ये इधर आएगा माइनस से बन जाएगा प्लस सी वन म्यू और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं कांस्टेंट, तो ये बनेगा लैम्डा बाई थीटा इक्वल में म्यू अपॉन में टू आर स्क्वायर प्लस सी। तो ये आ गया हमारे पास में लैम्डा अपॉन में थीटा का मान। अब हम इसके अरीय और अनुप्रस्थ त्वरण निकालेंगे, तो इसका अरीय त्वरण होगा हमारा अरीय त्वरण बनेगा इसका आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू आर डबल डॉट, आर डॉट का मान हमें दिया हुआ है लैम्डा आर स्क्वायर, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो लैम्डा कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का बनेगा हमारा टू आर आर डॉट
माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, और थीटा डॉट यहां से हम निकालें तो ये बनेगा म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन में आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां आर स्क्वायर होगा ये इसको कैंसिल करके एक आर बनेगा, यहां इस आर डॉट का मान हम वापस से आर डॉट का मान रख देंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी टू लैम्डा आर, इस आर डॉट का मान आएगा हमारा लैम्डा आर स्क्वायर माइनस ये आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल होगा तो म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन में आर, तो ये वैल्यू बन गई हमारी टू लैम्डा स्क्वायर आर क्यूब, टू लैम्डा स्क्वायर आर क्यूब माइनस म्यू स्क्वायर थीटा की पावर फोर अपॉन में आर, तो ये हमारे पास में इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा म्यू स्क्वायर थीटा की पावर फोर, तो ये आ गया हमारा टू लैम्डा स्क्वायर आर क्यूब माइनस म्यू स्क्वायर थीटा की पावर फोर अपॉन में आर। तो ये है इसका स्पर्श रेखीय त्वरण, और ये त्वरण ऐसे ही हम इसका अनुप्रस्थ त्वरण निकालेंगे तो अनुप्रस्थ त्वरण बनेगा हमारा ये बन जाएगा टू आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट इक्वल्स टू टू आर डॉट का मान है हमारे पास में लैम्डा आर स्क्वायर, थीटा डॉट का मान है हमारे पास में म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन में आर प्लस आर थीटा डबल डॉट, तो थीटा डॉट हमारा ये रहा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो म्यू तो कांस्टेंट है बट थीटा और इस अपॉन में आर का होगा तो थीटा डॉट है म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन में आर, इसका यू अपॉन वी से करेंगे तो म्यू तो कांस्टेंट है, एक बार इस आर का करेंगे तो बनेगा थीटा स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस का, और इस आर का बन जाएगा आर डॉट प्लस इस थीटा स्क्वायर का करेंगे तो टू थीटा थीटा डॉट अपॉन में आर, इसे हम सॉल्व करें तो ये आर इस एक आर को कैंसिल करेगा तो ये बनेगा टू लैम्डा आर ये म्यू और ये थीटा स्क्वायर यहां प्लस ये आर है इसको भी कैंसिल करेगा इसको भी कैंसिल कर देगा तो यहां म्यू बचा रहेगा हमारा, यहां एक आर कम हो गया ये बना माइनस का थीटा स्क्वायर अपॉन में आर, इस आर डॉट का मान रख देंगे हम लैम्डा आर स्क्वायर प्लस ये टू थीटा अपॉन में आर, इस थीटा डॉट का मान रखेंगे हम म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन में आर, तो हमारे पास वैल्यू बनेगी टू लैम्डा आर टू लैम्डा आर म्यू थीटा स्क्वायर टू लैम्डा आर म्यू थीटा स्क्वायर, इसे हम मल्टीपल करें तो ये बनेगा हमारा माइनस का लैम्डा आर म्यू ये थीटा स्क्वायर, इसको मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा प्लस टू म्यू स्क्वायर थीटा क्यूब अपॉन में आर स्क्वायर, ओके ये टू लैम्डा आर म्यू थीटा स्क्वायर ये माइनस का तो एक प्लस का बच जाएगा और ये वैल्यू आएगी हमारी तो एक प्लस का ये रहा हमारा और टू म्यू स्क्वायर थीटा क्यूब अपॉन में आर हमारे पास में ये वैल्यू आ गई। ओके यहां से हम कॉमन लेंगे इसको मल्टीपल करेंगे तो यहाँ एक आर नहीं आएगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ हमारा केवल एक आर आएगा तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में। तो ये थे हमारे फर्स्ट सी के वे क्वेश्चंस जो राजस्थान यूनिवर्सिटी और शेखावाटी यूनिवर्सिटी में लास्ट ईयर में आए हुए थे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट डी के क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग।